मौजूद हूँ अपने ही प्रोग्राम के सेट पे जिसका नाम है अज दे मेहमान हूँ मेरा अरशद दिनाल और आज जो है वो बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी मेरे शो में है और इनका नाम है मलक बिन्यामीन और ये हमारे कबड्डी के पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बहुत इनके साथ अच्छा लगा इंटरव्यू करके और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम वी आर बैक विद अनदर व्लॉग ते अज असीं आए हां पी टी वी ते ते अज दा मेहमान आ मलक बिन्यामीन अपना भाई चिट्टा सूट ते चिट्टी कड़ी ते नाल चांद भाई काला सूट ते काला स्वेटर ते आपां सेट के ऊपर आ गए हैं। ये पीटीवी का सेट है, ठीक है, अभी थोड़ी देर तक शो स्टार्ट हो जाएगा तो अभी आपको दिखाते हैं। फिर शो ऑन है, साथ रहिएगा। शो ऑन है, साथ रहिएगा। मेरा अर्शद और आज हम लोग हैं मेरे प्रोग्राम जिसका नाम है अज दे मेहमान हूँ मेरा अर्शद दे नाल। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और मुझे उन सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमारा कितना प्रोग्राम है। असद ज़िया साहब मेरे शो के प्रोड्यूसर हैं और बाकी की तफसीलात ये बताते हैं।
ये जी प्रोग्राम है, आज का मेहमान हूँ मैं अरशद दिलाल। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं स्पेशल मैडम शबनम मजीद साहिबा हैं और हसन मुराद साहब हमारे फेमस कॉमेडियन एक्टर बहुत अच्छे, और ख़ास तौर पे आज के जो हमारी लास्ट इंडिया के साथ जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत अच्छा खेला था इन्होंने, तो आज इनको हमने स्पेशल बुलाया अपने शो में। थैंक यू सो मच। तो आज का जो शो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। हमारे जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से, अभी आपको सीरियस लग रहे हैं लेकिन हमारा शो क्योंकि सीरियस नहीं है, पंजाबी का शो है अभी सारा कुछ होने वाला है। और हमारे एक और गेस्ट भी हैं डॉक्टर हमजा, ये हमजा भी, डॉक्टर हमजा भी आएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ये भी डॉक्टर हमजा सीईओ हैं द स्किन साइंसेस की। बिल्कुल। और आज का जो शो है हमने बहुत इसमें जो है वो इसको लाइटर मूड में रखना है और बड़ा फन है आप लोगों के लिए। आज ये सारे गेस्ट जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की वो बातें हमारे साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने कभी किसी प्रोग्राम में शेयर नहीं की। आज आपको इस पंजाबी के प्रोग्राम में अज दे मेहमान हूँ मैं अरशद नाल में कुछ नया जो है वो सुनने को और देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ मलिक बनियामीन साहब भी हैं, वो आज हमें वो बातें सुनाएंगे अपनी ज़िंदगी की जो हमें नहीं पता उनकी एफर्ट के बारे में। शबनम जी जिनको आप देखते हैं सुनते हैं और इनके गानों को भी आप बहुत पसंद करते हैं माशाल्लाह से, मेरी बिल्कुल बहनों की तरह है, मेरी फेवरेट 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 सिंगर है। हसन मुराद साहब जो है हमारे पाकिस्तान का जो है वो फ़ख्र हैं। और जो है अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने ही प्रोग्राम के सेट पे जिसका नाम है अज दे मेहमान हूँ मैं अरशद दिनाल। और आज जो है वो बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी मेरे शो में है और इनका नाम है मलिक बिनियामीन और ये हमारे कबड्डी के पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बहुत इनके साथ अच्छा लगा इंटरव्यू करके, और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं है, ये कबड्डी भी जो है वो भी हमारा पाकिस्तान का जो है ना हमारे पंजाब का जो है वो खेल है और वो बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा, इतने आगे ना वधिया लगा आगे अपने इस प्रोग्राम अज के मेहमान दे विच। ते मैं ये कहूँगा जी ऑडियंस आ जाए देख रहे हैं, तो कबड्डी भी प्रमोट करो, ये जी कबड्डी है पंजाब का कल्चर आ, तो इनू प्रमोट करना चाहिए ना कि तुम सारा क्रिकेट में प्रमोट करी जाओ। तो सारे अपील आ अपनी जिन्नी भी कि कबड्डी प्रमोट करना चाहिए, इवेंट करवाने चाहिए सब तो ज्यादा, इन्हों हर इवेंट के प्रोग्राम के भी इनवाइट करना चाहिए। तो शुक्रिया सारे का, थैंक यू तुम इन्ना प्यार दिता। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा इन्हां दे नाल इंटरव्यू करके, क्योंकि ये भी साढ़े पाकिस्तान का फख्र ने, हर वो इंसान साढ़ा फख्र है जिहड़ा पाकिस्तान वास्ते एक छोटी जी एफर्ट भी करता है। तो अल्लाह तुहानू बहुत कामयाबी देवे और अल्लाह ताला इस तरह ही करे कि तुसीं पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो। ओके, थैंक यू, अल्लाह ठीक है। हाँ जी, तो तुम शो देखा होना आ, पसंद आया तो लाइक जरूर कर दियो, कमेंट कर दियो, साडा व्लॉग इत्थे खत्म हुंदा आ। अल्लाह हाफिज़।